वैसे पांच तरीके से आप स्टेज पे माहौल बना सकते हैं। पहला, अंडरस्टैंड द टॉपिक। अब टॉपिक को अंडरस्टैंड करो, कहीं ऐसा ना हो कि आपको बताया गया है जॉब के बारे में और आप बात कर रहे हो बिजनेस के बारे में, या आपको बताया गया है साइंस के बारे में बात करो और आप बात कर रहे हो टेक्नोलॉजी के बारे में। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब टॉपिक को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि टॉपिक पहले है क्या। आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आपके सामने बेटे कौन है, मतलब आपके सामने बेटे हैं जैसे कि 18 से 25 साल के एज में, तो उनको क्या चाहिए, कॉमेडी चाहिए, उनके हिसाब से जो एंटरटेन उसको कर सके वो चाहिए, तो उनके हिसाब से बात करो, थोड़ा कॉमेडी ऐड करो, थोड़ा लड़की का ऐड करो। एक लड़की थी मेरे को बहुत पसंद थी, वो बहुत मतलब ऐसे आईब्रो गंजी करती थी, मैंने विश मांग मांग के इतनी पसंद थी भाई वो। उनको जो पसंद है वो ऐड करो। उसके बाद में आती है स्क्रिप्ट। आप जो भी आपको बात करनी है उनको फुल एनालाइज करो, उनके लिए आप बुलेट पॉइंट स्क्रिप्ट, आप इस पर आ चुके बुलेट पॉइंट तो उस पर आप स्क्रिप्ट लिखो, इंट्रोडक्शन में क्या बात करनी है, मिडल में क्या बात करनी है, लास्ट में थैंक्स में क्या बात करनी है, किस किस को थैंक्स देना है, वो स्क्रिप्ट में आता पूरा। जहां बोर होता है वो कुछ ट्विस्ट ऐड करो जहां पर आपको कॉमेडी हो सके, लास्ट में लिखो कि जाते जाते थैंक्स, मतलब आपने मुझे इस स्टेज पर आने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूं। अब लास्ट में आता है ट्यूनिंग एंड बॉडी लैंग्वेज। अब ट्यूनिंग क्या है, अगर कुछ इमोशनल बात हो तो उसको इमोशन ट्यूनिंग से प्रेजेंट करो। मेरे देशवासियों, मेरे घर परिवार सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। अगर कोई कॉमेडी बात हो तो कॉमेडी के हिसाब से प्रेजेंट करो। टीवी पे पूरा देश देख रहा है, कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। अगर कोई सीरियस बात हो तो सीरियस वे में प्रेजेंट करो। ये इसलिए हुआ है कि अहंकार इस प्रकार की प्रवृत्ति करने के लिए खींच के ले जाए। और लास्ट में आती है बॉडी लैंग्वेज, पब्लिक स्पीकिंग में जान डालती है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज आप ऐसे नल्ले लोगों के जैसा बैठे हो कि आप ऐसा हाथ नीचे करके मैं आज आपके सामने, नो, आप ऐसे बात करो कि मैं आज आपके सामने इस बात के बारे में प्रेजेंट कर रहा हूं। ऐसे थोड़े आपके हाथ जो होते मूवमेंट होने चाहिए, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, जो आपका फेस होता है, जो आपके आईज होते हैं, वो सामने वाले को आंखों में दिखने चाहिए। ये खाली डेमो था, मैं आप इस पर लॉन्ग वीडियोस भी बना सकता हूं। आप खाली मुझे बताना कि इस पर लॉन्ग वीडियो चाहिए, मैं फुल लॉन्ग वीडियो बना सकता हूं। कैमरामैन जल्दी फोकस करो, ये कोई शॉट नहीं।